भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। नमस्कार सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दौरान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इससे पहले आज शपथ ग्रहण से पहले कोविंद ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि समायोजित किए गए 1.72 लाख शिक्षा मित्र नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन उन्हें 2 भर्तियों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी। इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टैट वालों को भी राहत मिली है, उनका अकादमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। भारी बारिश के चलते आई गुजरात में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पीएम मोदी खुद प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के बाद पीएम मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, सभी मंत्री और राज्य के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई के घाट कोपर उपनगर में आज सुबह 4 मंजिला एक आवासीय इमारत ढह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहर के नगर निकाय के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोरखपुर और फूलपुर के सांसद पद से अमित शाह के दौरे के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब इस बात की अटकलें शुरू हो गई हैं। अपने पद पर बने रहने के लिए दोनों को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हिनगंज का एक मामला सामने आया है, जहां यात्रियों से भरी बस सामने से आ रही स्कॉर्पियो को बचाने में सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। सभी यात्रियों को मुखिया संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से सभी यात्रियों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी जिला के भटवलिया पंचायत के वार्ड नंबर 10-11 में बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आगे विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। मोतिहारी जिला के संग्रामपुर में SH-74 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम टुन्नू चौबे नवादा निवासी बताया जा रहा है। ये शख्स अपने घर से संग्रामपुर बाजार के लिए निकला था। ग्रामीणों के सहयोग से शख्स को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोतिहारी जिला के संग्रामपुर प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय प्रताप मठिया में प्रधान शिक्षक पद के लिए 2 शिक्षकों में विवाद चल रहा है, जिसका मामला उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। इसके चलते DM अनुपम कुमार विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। श्रीलंका का दौरा कर रही टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत गोल टेस्ट से करेगी। टीम इंडिया को इस दौरे पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गोल टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2 साल बाद यहां आना बेहद अलग है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के साथ हुए भले ही छोटे पर्दे से दूर चल रहे हों, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। ये सुनील ग्रोवर की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि उन्हें पहले की तुलना में डबल फीस पर नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सुनील ग्रोवर की फीस में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं कपिल शर्मा की फीस पहले से आधी हो गई है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।